नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर के एक हफ्ते तक जगह जगह कैंप लगाकर हर व्यक्ति को योग सिखाया जाएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज में बने आयुष विभाग के योग प्रशिक्षक अभिनव शुक्ला ने बताया कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर शासन द्वारा एक हफ्ते तक लगभग 20,000 लोगों को योग से जोड़ने का लक्ष्य उन्हें दिया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में जाकर वहां कैंप लगाकर लोगों को योग सिखाएंगे। योग प्रशिक्षक अभिनव शुक्ला ने बताया कि विश्व योग दिवस के दिन जिले भर में 5,00,000 लोगों को योग कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनका मकसद हर घर तक योग को पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि योग दिवस के दिन सभी लोग जरूर ये योग करें। अगर किसी कारण योग स्थल तक ना पहुंच सके तो अपने घर पर रहकर योग जरूर करें, क्योंकि अपने शरीर को निरोग रखना है तो योग जरूरी है। सभी लोगों को योग अपनी दैनिक क्रिया में शामिल कर लेना चाहिए। योग दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है, तो हमारे मेडिकल कॉलेज में जो योगाभ्यास करने वाले शुक्ला जी मॉडल हैं, उनके माने जो जानकारी दी गई कि OCF एक मेजर ग्राउंड के हिसाब से वहाँ पर सारे लोग जिले के अधिकारी सब एकत्रित होंगे। हमारे मेडिकल कॉलेज में भी, यहाँ पर भी होना है, अस्पताल में और जिग्नेरा जो मेडिकल एकेडमिक सेंटर है वहाँ भी योग दिवस मनाया जाएगा। हालांकि डेली चलाया जा रहा है, लेकिन 21 तारीख को विशेष कार्यक्रम आयोजित करके सारे हमारे स्टाफ के लोग वहाँ उपस्थित होकर योग का अभ्यास करेंगे और तो हमेशा करने का उनको एक तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा और संदेश भेजा जाए कि लगातार आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए जो बहुत ज़रूरी है शरीर। आज के जो हमारा जो समाज चल रहा है, जिसमें तमाम तरह के मैंने इन्वायरमेंटल ये आ रही है और जो बॉइजनिंग आ रही है, जो वायु प्रदूषित हो रहा है, एक ही रास्ता बचता है कि योग के माध्यम से अपने शरीर को मन को स्वस्थ कर सकें। राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, वर्तमान में जो गाइडलाइन है भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की, वो 14 से 21 जून तक एक विशेष मुहिम है योग की जन जागरूकता, जिसमें कि सभी विभाग और सभी जन जन तक विद्यालय हैं, सभी प्राइवेट और सरकारी संस्थान हैं, जिसके माध्यम से हम मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर की तरफ से आयुष योग वेलनेस सेंटर जो जनपद के हर व्यक्ति तक योग को पहुंचाने के लिए एक सप्ताह का जो प्रोग्राम है उसमें लक्ष्य रखा गया है कि हम 20,000 लोगों को अपने प्रोग्राम में सम्मिलित करेंगे। कन्नौज जिला अस्पताल में सुबह से ही भीड़ लगना शुरू हो जाता है, वहीं भीषण गर्मी और मौसम के बदलते ही अस्पताल में भीड़ देखने को मिलती है। CMS शक्ति बसु ने बताया कि मौसमी बुखार, डायरिया, पेट दर्द, लूज मोशन जैसी बीमारी के मरीज भी बढ़ने लगते हैं। जिला अस्पताल में सुबह से ही डॉक्टर के कमरे के बाहर अपने नंबर का इंतजार करते मरीज आ जाते हैं, जिसकी वजह से जिला अस्पताल में भीड़ भी देखने को मिलती है। इस समय मौसमी बुखार भी तेज चल रहा है, जिस कारण अस्पतालों में भी काफ़ी भीड़ रहती है। वहीं जिला अस्पताल CMS डॉक्टर शक्ति बसु ने कहा कि आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें और ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो धूप में बाहर ना निकले। सुबह 11 से शाम 4 बजे तक की धूप बहुत तेज़ होती है, बहुत ही खतरनाक है कि जितना ज़्यादा हो सके बाहर निकलते समय कॉटन के कपड़ों का प्रयोग करें। गर्मी में ठंडा पानी ना पिए, सादे पानी का प्रयोग करें। देखने में आ रहा है कुछ अस्पताल में कुछ ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है, क्या कारण है, किन कारण से इतनी भीड़ आ रही है? देखिए, नॉर्मली गर्मी का सीज़न है, इसमें थोड़े संक्रामक रोग बढ़ भी जाते हैं, तो इसलिए भीड़ तो बढ़ना स्वाभाविक है। परंतु अभी जो भीड़ जो ज़्यादा देखने में आ रही है, उसमें थोड़े से गर्मी के चलते जो लूज मोशन और वॉमिटिंग के जो केसेस हैं उनकी इजाफा थोड़ा सा हुआ है। इनडोर भी हमारी बढ़ी है, आउटडोर भी हमारी बढ़ी है, और उसके केसेस थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ ही केसेस वीकनेस के भी आ रहे हैं, जो लवण के ह्रास से या ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग से इस तरीके के केसेस आ रहे हैं। फीवर इत्यादि के भी केसेस आ रहे हैं, परंतु उसके उतने नहीं जितने कि ये थोड़े डायरियल डिजीजेस के आ रहे हैं। तो वही घटना फिरोजाबाद के थाना उत्तर के ओवर ब्रिज की है, जहाँ आगरा से बेवर जा रही डिपो की एक बस में डीजल का टैंक लीक होने से आग लग गई। ये आग लगने की जानकारी लगते ही बस ड्राइवर ने बस को रोककर सवारियों को बस से उतरने को कहा। ड्राइवर की कॉल पर बस में बैठी करीब 30 सवारियों ने हड़कंप मच गया और लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं देखते ही देखते पूरी बस बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगी। यात्रियों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
तब तक बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी। गनीमत ये रही कि घटना में कोई जनहानि की नहीं हुई है, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। किस सीट पे बैठे थे? किस सीट पे? कंडक्टर साहब के पीछे बैठे। अच्छा, तो अचानक तेज आवाज का टैंक गिर गया? नहीं, टैंक तेज आवाज आ गई। तो जिन्होंने गाड़ी में पैसे देखा था तो वो आग लग गई एकदम। बात है टैंक था नहीं सड़क पर, तो उसमें आग लग गई एकदम। आग लग गई तो जैसे ही कंडक्टर साहब जावेद खान गई उतर उतर जल्दी उतर जल्दी उतर, तो झट से एकदम सब सवारी उतर आई। फिर जिस दिन यहाँ तक लाए वो आग लगी हुआ डीजल में, तो टैंक तो वो बेचारे लाए यहाँ तक, फिर देखी आग लग रही है तो फिर पीछे की तरफ ले गए, फिर क्या साठ में खड़ी है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा राजीव भारती जी के निर्देशानुसार 7 जून 2022 को राजकीय संप्रेक्षण गृह मथुरा का आकस्मिक निरीक्षण और विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सोनिका वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा द्वारा की गई। इस अवसर पर राजकीय संप्रेक्षक गृह मथुरा के अधीक्षक हरीश चंद्र वर्मा उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक प्रसिद्ध नमकीन की कंपनी ब्रज नमकीन की चना दाल नमकीन में कॉकरोच पाया गया, जिसकी शिकायत ग्राहकों ने फूड सेफ्टी विभाग से की, तो फूड सेफ्टी विभाग की टीम तत्काल प्रभाव से उस आउटलेट पर जा पहुंची जहां से नमकीन खरीदा गया था। फूड सेफ्टी विभाग ने शिकायत के आधार पर नमकीन और अन्य सामान के भी नमूने लेकर जाँच के लिए भेज दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गाजियाबाद के कोट गांव की रहने वाली एक महिला डी मार्ट गई, जहां से उन्होंने ब्रिज नमकीन की चना दाल नमकीन और अन्य खाने के सामान की खरीदारी की, लेकिन जब वो घर पहुंची और उन्होंने नमकीन देखा तो बंद पैकेट के अंदर ही एक कॉकरोच नजर आया, जिसके बाद वो तत्काल प्रभाव से आउटलेट पर पहुंची और इसकी शिकायत की, लेकिन नमकीन आउटलेट पर मौजूद कर्मचारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद महिला ने फूड सेफ्टी विभाग से इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद तत्काल प्रभाव से फूड सेफ्टी विभाग की टीम आउटलेट पर जा पहुंची और वहां से नमकीन और अन्य खाने के सामान के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। ये एक शिकायत मिली थी कस्टमर द्वारा, इसमें नमकीन में काकरोच मिलने की और बेसन के लड्डू की शिकायत की गई थी। दोनों के सैंपल ले लिए गए हैं और जाँच के लिए भेजा जा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्युत विभाग की चल रही एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति ले सकता है। जनता का किसी भी वजह से इकट्ठा हुआ बिल अब आसान किस्तों में व्यक्ति दे सकता है। अधीक्षण अभियंता सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि गाजियाबाद की जनता के प्रत्येक उन वर्गों के लिए जो अपना बिजली का बिल केवल किसने नहीं दे पा रहे हैं कि वो काफी अधिक इकट्ठा हो गया है, तो उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत अगर 1 लाख से अधिक बिल है तो उसे 12 EMI और यदि 1 लाख से कम है तो उसे 6 EMI में चुका सकते हैं। और तो और LMV एक घरेलू उपभोक्ता के बिल में, MLB 2 के 5 किलोवाट तक के बिल में और MLMB और 5 की निजी मूल में भी चुकाने का 100% छूट मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जनता के लिए एक बहुत अच्छी सौगात आई है, जिसके तहत विद्युत बिजली विभाग ने जो है एक मुफ्त समाधान लाभ योजना निकाली है, जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों जनताओं के लिए उपलब्ध है, जिसमें कि आपका जो है 1 लाख रुपए से अगर कोई बिल है आपका तो 1 लाख से ऊपर वाली रकम में 12 EMI में आप वो अदा कर सकते हैं। यदि 1 लाख रुपए से नीचे, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 60,000 हो, चाहे वो 20,000 तक की जो रकम है, वो आप 6 महीने की किस्त की अदाओं में दे सकते हैं। एक अच्छी योजना है, जनता को अगर अपनी इस लाभ का योजना उठानी चाहिए। 1 जून से लेकर 30 जून तक के ये बीच में ये लाभ रहेगा, जनता के लिए बहुत अच्छी सौगात है। मैं इंद्रेश कुमार शर्मा, राजपट टीवी न्यूज, सबसे पहले भारत। छाता गोवर्धन चौराहे और छाता बिजली घर के बीच में बनी हुई नई कॉलोनी निवासी मेन रोड पर जल भराव की समस्या काफी दिनों से लोगों को परेशान कर रही है। नई कॉलोनी में बसे बाशिदों का कहना है कि ये रास्ता छाता रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। इस रास्ते से रोजाना हजारों की संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं। रास्ते में जल भराव होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं और बच्चे भी इसमें कई बार पानी में गिर पड़े हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि जल भराव की समस्या को लेकर हम कई बार तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मथुरा सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं छाता देहात प्रधान कृष्णकांत उर्फ
बॉबी चौधरी ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि इस जल भराव की समस्या को जिला अध्यक्ष मधु शर्मा से अवगत कराया। उन्होंने इस रास्ते को बनवाने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को लेटर लिखकर अवगत कराया, जल्द ही इस रास्ते का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं कॉलोनी में रह रहे राधेश्याम ने इस जल भराव की समस्या को लेकर जानकारी दी। इस समय ये श्रीमान जी, ये जो रेलवे स्टेशन खरंजा कॉलोनी है, यहाँ पर ये विकट समस्या आपके सामने है। सुबह शाम जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हुए सब रास्ते में यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये मेन रेलवे स्टेशन का रास्ता है, यहाँ से कम 10-20 गांव जुड़े हुए हैं इस करंजे से। जब वो ड्यूटी जाते हैं या वापस जब शाम को आते हैं तो अक्सर वो गिर जाते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जितनी भी यहाँ लेडीज हैं, बाज़ार जाती हैं, जितने भी बुज़ुर्ग जाते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं कि इस हालात में उनका जीना मुश्किल हो रहा है। हालात इतने बदतर हो रहे हैं इस समय जबकि गर्मी है, और आने वाले बरसात के समय में तो हालात और क्या हो सकते हैं, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।